भी छुटकारा मिल जाए। शुक्रिया। जी होल मैंने देखे हैं, मैंने इमरान खान साहब ने जो टेयर गैस के शेल्स हैं उनके जो होल हैं वो तो जब वो वॉइस ऑफ अमेरिका से, बीबीसी से, सीएनएन से, स्काई न्यूज से, अल जजीरा से जब वो एंगेज कर रहे थे तो हमने मेज पर रखे हुए थे कि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि किस किस्म के ये शेल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर केमिकल भी मिलाया हुआ है। इसी तरह अब हमें जो बुलेट्स के खोल मिले हैं वो सब जमा किए हैं और आप मीडिया देख सकता है कि क्या कैफियत बनी हुई है। खुदारा होश के नाखून लो, खुदारा होश के नाखून लो, आप मुल्क को एक ऐसे क्राइसिस की तरफ धकेल रहे हो जिसका हजारा मुश्किल हो जाएगा। पहले हम पॉलिटिकल क्राइसिस से दो चार हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस से दो चार हैं, हमारे जो बॉर्डर सिचुएशन है, टेररिज्म जो है उसकी वारदातों में इजाफा हुआ है। आप खुद कहते हैं हाई अलर्ट है, आप खुद कहते हैं, अपने मुंह से इतराफ करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर कि इमरान खान की जान को खतरा है। हम कहते हैं हम अदालतों में आने के लिए तैयार हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, आप हमें सिक्योरिटी दे दें, माकूल हमें कोई रास्ता दे दें, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी जान को खतरा, हम मफरूजे की बात नहीं कर रहे, वजीराबाद में हम पर हमला हुआ है, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, वहां भी शहादत हुई है, जमान पाक में भी लोग जख्मी हुए हैं, वहां भी शहादत हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकालिए और इस जिस आपने जो अना का मसला बनाया हुआ है, पाकिस्तान को अपनी अना पर फौकियत दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपसे एक तो जो डेवलपमेंट्स हैं मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है।